ऐसे हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनसंघ के, जो आज भारतीय जनता पार्टी जानती है। हमें आज गौरवान्वित महसूस होता है कि बीज रखने वाले हमारे इतने महान शख्सियत थे, भारत रत्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और देखिए उनका बहता हुआ प्रवाह रुका नहीं, चलता रहा। 1951 में जनसंघ की स्थापना की, 1952 में कानपुर के अधिवेशन में उन्होंने यह विषय रख दिया कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण होना चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने बड़े प्रखर शब्दों में कहा कि महाराजा हरि सिंह ने 15th स्टेट के रूप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर करते हुए यह कहा है कि जो भूमि मेरे अधिपत्य में आज के दिन में जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो सारी की सारी भूमि को मैं भारत के यूनियन रिपब्लिक में समावेश करता हूं। यह उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया और भारत के 15वें राज्य के रूप में इसको एस्टैब्लिश करता हूं, इस पर हस्ताक्षर किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि धारा 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है। लेकिन नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला की अपने मन में बनी हुई एक चाल, उसको अंजाम देने का काम नेहरू जी कर रहे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कन्फ्रंटेड हिम राइट फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने स्पष्ट रूप में सामने खड़े होकर के इसको कन्फ्रंट किया और उस समय का नारा आपको मालूम होगा, हम सब लोगों ने लगाया, एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। उनको इस बात से बड़ा दुख था, बड़ा मलाल था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वजीर आजम ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कैसे हो सकता है, एक ही संविधान के अंदर दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। भारत का संविधान और भारत की संसद कोई कानून पास करे, वो जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान उसको पास नहीं करेगा तब तक वो लागू नहीं होगा, ये भारत में कैसे चल सकता है। वो उत्पीड़ित थे, उनकी पीड़ा वेदना स्पष्ट दिखती थी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उन्होंने 1952 में जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन में स्पष्ट रूप में कहा कि इस बात की आवाज भारतीय जनसंघ उठाएगी। एक 7 सदस्य समिति बनी, वह 7 सदस्य समिति ने जम्मू कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी लेनी थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर यह जिम्मेवारी आई कि धारा 370 को लागू करने से रोकने की दृष्टि से हर तरीके के संभव प्रयास करने के, जो उसको हटाया जाए, धारा 370 को हटाया जाए और हटाने के लिए हर संभव प्रयास को तलाशना चाहिए और नेहरू और शेख अब्दुल्ला से सीधी बात करनी चाहिए।